एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, मैं शिल्पी त्रिपाठी एबीपीएस के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे गांव के विकास और पंचायत को लेकर कि गांव में लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका निराकरण कैसे हो सकता है अगर विधायक जी इस बात को विधानसभा तक लेकर जाएंगे। आज हमारे साथ सिद्धार्थ नगर के विधायक चौधरी अमर सिंह। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। थैंक यू, एबीपीएस के माध्यम से आप लोग इस जन कल्याणी योजनाओं को लेकर के गांव में क्या हो रहा है उसकी व्यवस्था को लेकर के आप हम तक पहुंचे हैं, तो मैं एबीपीएस न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं। अब देखिए क्या है कि आदमी की आवश्यकताएं समय के हिसाब से अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और इस वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़रूरी है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो और हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता है समय समय पर, लेकिन इम्प्लीमेंट निचले स्तर तक गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक अगर सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पहुंच नहीं पा रही हैं। अब उदासीनता जिला के प्रशासन, तहसील के प्रशासन, ब्लॉक के प्रशासन या ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारान लोगों के जरिए या जिले स्तर के जो अधिकारी हैं जिनके लिए जिम्मेदारी मिली है, तमाम डिपार्टमेंट वार जो व्यवस्थाएं सरकार की हैं, तमाम योजनाएं हैं, अभी तक तो मैं देखता हूं भाई साहब, मैं तो एक चीज़ बताऊं आपको कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जानने के बाद अभी हमारे यहाँ सिस्टम की बहुत कमी है और जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, सिस्टम को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तब तक ये समस्याएं अभी भी चलती रहेंगी। गांव से जुड़ा होने के नाते लगभग 15 साल गांव सभा में काम करने के वजह से इतना तो मुझे भी तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस हो गया है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन योजनाओं पर गवर्नमेंट को सुधार ला के नए ढंग से सिस्टम को दुरुस्त करके इम्प्लीमेंट कराए। तमाम चीज़ों को चूँकि पहली बार असेंबली में आया हूँ, अभी तक तो गाँव पंचायत में 15 साल तक सेवा किया है ग्राम प्रधानी के पद पर, पहली बार शोहरतगढ़ से मौका मिला असेंबली में प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आने का, तो मैं देखता हूँ कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं गांव में, तमाम ऐसे हमारे गांव के उस अंतिम व्यक्ति हैं कि जिनको सरकार की योजनाएं मिल नहीं पाती और इसको ले करके और की बात नहीं करता मैं, लेकिन मैं काफ़ी संवेदनशील हूँ। जैसे गाँव में अब गवर्नमेंट कहती है कि हम घर घर शौचालय की व्यवस्था करा दें, हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि हर घर में एक शौचालय हो, जिनको हमारे आदरणीय मोदी जी ने इज्जत घर के नाम से अब की बार इधर नया नॉमिनेट किया है। लेकिन गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये भी नहीं चाहते कि वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे रहें और हमारे तक एमपी, एमएलए, प्रधान आ करके नगद पैसे दे दें या बैठ के बनवा दे तो फिर हम उसको करें, उसको कोशिश करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। हम लोग अमूमन जब प्रेरित करते हैं, अरे भाई आपने शौचालय क्यों नहीं बनवाया, तो कहते हैं कोई आया नहीं, कोई पूछा नहीं। तो मात्र देखिए जो लाभार्थी हैं गांव में, जो अंतिम व्यक्ति हैं, वो जानते हुए भी कभी कभी अवॉइड करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो अपना कौन है, शाम का खाना हो गया, सुबह खाना हो जाएगा, काम खत्म। वो लाभ मुझे लगता है लेना भी नहीं चाहते जल्दी, अगर चूंकि जानते हुए अगर आदमी मेहनत नहीं करता, ब्लॉक तक नहीं जाता, तहसील तक नहीं जाता, मतलब जिले के हेडक्वार्टर तक नहीं जाता, या मेरे पास भी आने का प्रयास नहीं करता, या प्रधान के पास भी जाने का प्रयास नहीं करता, वो अमूमन यही सोचता। मुझे लगता है कि अभी 25% ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं अमूमन गाँव में ही ज़्यादा रहता हूँ, क्षेत्र में ही ज़्यादा रहता हूँ, तो वो ये चाहते हैं कि हमको कहीं जाना ना पड़े, मेरे घर चल करके सब आ जाए। एक कमी मुझे ये भी महसूस होती है कि लोगों के अंदर ये भी मतलब सोच बनी है, और बाकी जो एक्टिव हैं, कुछ ऐसे 25-30% लोग एक्टिव हैं कि जो चाहते हैं कि फटाफट जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हो वो हमारे गांव तक आए, व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत मिले, अगर सामूहिक में है तो सामूहिक में मिले। अब शौचालय की बात है, हम तो गाँव घूमते रहते, कई लोग प्रेरित करते हैं, बैठे वहीं से डीपीआरओ को फ़ोन कर दिया कि इनको शौचालय क्यों नहीं मिला, इनको दीजिएगा, उनको दीजिएगा। अब तब तक वो जब तक हम कहेंगे तब तक वो सुन लेंगे, जब हम वहाँ से निकल जाएंगे तो दोबारा फिर अगर कहीं 1 महीने 15 दिन पर मुलाकात हुई कि आपने शौचालय लिया, कहीं कोई मेरे को पूछने नहीं आया, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं जरा काम में फंस गया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के इतने
एडवर्टाइज के बाद, इतनी पब्लिसिटी के बाद, अगर अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सबके जरिए, आप सबके सहयोग मेहनत से अब गांव में भी ये चीज़ें जानकारी होती रहती है सुबह शाम में कि मतलब ये सरकार योजना चला रही है, इस योजना को हमको लाभ लेना है, इसके क्राइटेरिया में हम हैं कि नहीं है, हर व्यक्ति को पता है। अब व्यक्ति के अंदर स्टेमिना, तन्मयता होनी चाहिए कि हम इसको लाभ लें या ना लें। अब विधायक के पास या किसी अधिकारी के पास या किसी मिनिस्टर के पास या सरकार के पास एक एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए थोड़े वो अर्थराइज है, लेकिन अब उसको भी चाहिए कि वो आए, दो कदम चल करके आए कि हमें आवास लेना है, हमें पेंशन लेना है, हमें राशन कार्ड दुरुस्त करानी है, हमें गांव के नाली और सीसी रोड सही कराने हैं, हमें सिंचाई की व्यवस्था देखनी है, मुझे बिजली की व्यवस्था देखनी है, किसानों को नहरों को देखना है, मतलब क्रय सेंटरों को देखना है, तो सारी चीज़ों पर ब्लॉक को देखना है। तो मैं कहता हूँ कि गांव के लोगों को भी ये सबसे ज़्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता अब है कि अभी भी मेरे यहाँ 25% 30% लोग ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे यहाँ है, हर जगह की यही बात है कि वो उनको लगता है कि मेरे घर पे ही आ जाए तो आ जाए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं है। अगर वो नेता पहुँच गया तो कहेंगे अरे आपने कुछ आज तक दिलाया नहीं, उल्टे सवाल कर देते हैं कि आपने कुछ मुझे लाभ नहीं दिया, विधायक बन गए या प्रधान बन गए या मिनिस्टर बन गए, तो अब हम लोग को चूंकि भाई सबकी सेवा करनी है, नेता क्या करे, एमएलए क्या करे, प्रधान क्या करे, उसको भी सहयोग लेना है 5 साल पे, तो कह देता रहे गलती हो गया, अगली बार आइएगा तो मैं कराऊंगा, अब अगली बार वो पहुंचेंगे नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं मन में, पहले तो उनको प्रेरित किया जाए, हम सब मिल करके जिनको जिम्मेदारी मिल गई है कि वो सरकार की योजनाओं के तरफ अपना ध्यान दें, उसको जानते हैं अगर तो उसका लाभ लेने का प्रयास करें। और अब क्या करेंगे हम लोग, सड़क सीसी नाली खरंजा सभी बनते हैं। मैं देखता हूँ कि पहले की सोच क्या थी भाई साहब, जब हमारे लोग, हमारे तमाम ग्रैंडफादर वगैरह बतियाया करते थे कि गांव में एक डिसिप्लिन हुआ करता था, गांव में एक एकता होती थी, एक पंचायत होती थी, जब सरकार से पंचायती व्यवस्था में कोई ऐसा लाभ या कंस्ट्रक्शन कराने का काम या कोई मद नहीं हुआ करता था तो लोग हारी बेगारी किया करते थे गांव में, समय से पहले गांव के लोग मिल करके मतलब अपने चक्रोट को, अपने गांव के बहाव को, नाली को लेकर के उसको दुरुस्त कर लिया करते थे बरसात के पूर्व में, तो वो हो जाता था। अगर गांव में कोई समस्या आती थी, कोई आदमी इंक्रोचमेंट करता हो कि गांव में अगर कहीं रास्ते में उसने गुलाम गर्दा बना लिया, रास्ते में उसने अगर कहीं खूटा डंठा गाड़ लिया या कहीं भीटे पर उसने अतिक्रमण कर लिया या खलिहान में अतिक्रमण कर लिया, तो वो गांव में इस चीज़ को चर्चा होने के बाद 10 लोग शाम को इकट्ठा होते थे गाँव भर और पंचायत के जरिए उसका निस्तारण करा देते थे। आवाज़ मैं देख रहा हूँ कि थाना दिवस लग रहा है, तहसील दिवस लग रहा है, समाधान दिवस लग रहा है, रोज विधायक भी सुनता, रोज कलेक्टर भी सुनता, रोज मिनिस्टर भी सुनते, हफ्ते महीने में मंत्री जी मुख्यमंत्री जी भी सुनते, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चार का डिस्पोजल करते हैं, 40 आके समस्याएं खड़ी होती हैं। तो पहले तो मैं लगता है कि पहले जो बुजुर्ग हमारे थे गांव की समस्याएं गांव में ख़त्म कर दिया करते थे, समय से काम करा लिया करते थे, जब बेगारी करते थे तो गांव की सड़कें अच्छी हुआ करती थी। आज सरकार बना रही है, गांव सभा भी बना रही है, क्षेत्र पंचायत भी बना रहा है, जिला पंचायत बना रहा है, तमाम कार्यदायी संस्थाएं गांव में डेवलपमेंट कर रही हैं और हम लोग भी करा रहे हैं। लेकिन अगर गांव में जाते हैं तो पता चला कि ये सरकारी चीज़ें हैं, अगर कहीं टूट गया तो उसको गांव के लोग ये नहीं समझेंगे, लाओ इसको थोड़ा मरम्मत करा लिया जाए ताकि हम ही लोगों के चलने के लिए बना, उसको और तोड़ देते हैं लात से मार मार के, कहते हैं तो बड़ा ख़राब बनाया है, मतलब उसको ट्रायल करते रहते हैं सब। नाली बनी है तो उसको ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे 2 ईंटा निकल गया तो 4 ईंटा और निकाल देते हैं दिखा करके और उसके बाद उसको उठा ले गए। तो गांव के लोगों का जब तक देखिए हर आदमी जिम्मेदार नहीं बनेगा, जब तक हर आदमी की सोच नहीं बदलेगी, जब तक आदमी ये नहीं समझेगा कि हमारी ही संपत्ति है, ये हमारे लिए गवर्नमेंट करा रही है, तो वो भाई साहब ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी, इसको कोई ख़त्म वत्म नहीं कर पाएगा, ऐसे चलता रहेगा। और जब तक जैसे हमारी सोच ये है, हम जब गांव में जाते हैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूं मैं दौड़ रहा हूं, पहली बार चूंकि आया हूं तो मुझे अनुभव है कुछ बुजुर्गों की बात लेकर के, कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर के, चूंकि आप जानते हैं कि कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को भी और नई व्यवस्थाओं में अब सम्मिलित करना पड़ेगा कि पहली व्यवस्थाओं में क्या था, थाने तक मामले नहीं जाते थे, अब थाना दिवस लग रहा है, तहसील दिवस लग रहा है, समाधान दिवस लग रहा है, लेकिन समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए कि अगर हम गांव में बैठ करके सरकार की योजनाओं को लेकर के अगर हम बैठ जाए, लोगों को प्रेरित करें, बताएं और ये बताएं कि अब गांव में तालाब है, भाई साहब देख रहा हूं मैं आने वाले 20 साल के बाद मनरेगा की तमाम स्कीम, बड़ी बड़ी स्कीमें, मतलब तमाम पैसे गवर्नमेंट दे रही, लेकिन तालाब गांव में आधा सब कब्जा कर रखे, अभी तक पटा है, जिस गांव में जा पता चला इधर से पूरब से सुखू का पटाई कर रहे हैं, उधर से पश्चिम से बुद्धू का पटे जा रहे हैं, गांव सभा में पंचायत होने का अब कोई मुझे लगता नहीं कि कोई बात किसी की माने,
तो पॉलिटिकल लाइन के चलते कुछ चीज़ें तो ठीक हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही गड़बड़ होती जा रही हैं राजनीति के चलते। गांव की व्यवस्थाओं में कुछ सही है तो कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अगर हमारे किसी, अब हम बता दें गाँव की समस्या क्या है, थाना दिवस लगता होगा, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, आप जानते भी हैं, हर लोग जानते हैं कि थाना दिवस में किसी ने मेड़ को काट लिया, तो किसी ने रास्ते में खूंटा डंठा काट दिया, किसी ने उसमें हौदी रख दिया, किसी ने भीटे पर कब्जा कर लिया, किसी ने खलिहान में कब्जा कर लिया, तो उसको हटाना है। तो अब लेखपाल को ड्यूटी लग गया, थाने वालों लग गया, वो गए तो कुछ खाए पिए तो कहे थोड़ा किसका है, थोड़ा मोड़ा औपचारिकता पूरा करके भागा है, तब तक दूसरे ने देखा जब इसका नहीं हो तो तीसरा भी कब्जा कर लेता। अगर कड़ाई से एक बुराई पर अगर गलत करने वाले व्यक्ति के साथ पेश करके उसका निस्तारण कर दिया जाए तो दूसरा आदमी हिम्मत ही नहीं करेगा। अब अगर बुद्धू गड्ढा पाट रहे हैं पूरब से, अगर उनको रोक दिया जाए तुरंत, तो पश्चिम से सुद्धू क्यों काट पाटेंगे? तब कहेंगे बुद्धू जब पाट रहे तो हम भी पाटेंगे। अगर बुद्धू को अमर सिंह जी विधायक मिल जाएंगे तो हमको कोई मंत्री मिल जाएगा। तो ये पॉलिटिकल की जो मतलब ग्राफ बढ़ गई है, इसके चलते गांव में समस्याओं का भी अंबार लगा हुआ है। लोगों के अंदर जागृति नहीं पैदा हो रही है कि आखिर गांव में हम लड़े क्यों। एक व्यवस्था पहले थी कि पंचायत के स्तर से काम होता था, न थाने पर लोग जाते थे, न तहसील में लोग जाते थे, न दरोगा आता था, न सिपाही आता था। जो आदमी गाँव में गलत करता था उसको लोग दबा देते थे कि आपने गलत किया, इसको तुरंत ही फैसला करिए। अगर कहीं इंक्रोचमेंट करता था तो तुरंत हटवा लेते थे। अब तो क्या है, जो मार खा जा रहा है वो 2,500 देता है तो सुनवाई है, जो मार लेता है वो 5,000 दे के बच जा रहा है। अमूमन आप सुनते होंगे, मैं ये सही बोल रहा हूँ, अपना अनुभव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, मतलब है। तो जब तक हर आदमी के अंदर एक जागृति और गवर्नमेंट की या गांव समाज की व्यवस्थाओं को लेके चिंतन मंथन करके अच्छी सोच नहीं बनेगी, तब तक हम लोग लाख भाषण करते रहें, बताते रहें, वोट की राजनीति करते रहें, तो गाँव में तो पार्टी बंदी गुटबंदी होगी, तो गुटबंदी चलते तो समस्याओं का तो अंबार लगेगा, लड़ाई तो होगी। अब कोटेदार को लेकर के ले लीजिए, प्रधानों को जिम्मेदारी मिली है कि भाई जो पात्रता की श्रेणी में हो उनको अंत्योदय का पात्र गृहस्थी का कार्ड बन जाना चाहिए। भाई साहब कितनी मतलब मैं कितना परेशान हूं, मैं अपने दिल से बता रहा हूं कि दो साल पिछले गवर्नमेंट से ही व्यवस्था चल रही है, मतलब नए खाद्यान्न अधिनियम में कि मतलब इस तरह की व्यवस्था की जाए। अभी तक गरीब कुछ ऐसे हैं जो झोला लेकर दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी तक उनको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा, अंत्योदय में ही पात्रग्रस्ती नहीं, तमाम अपात्रों को बन गया। अब उसका कारण यह है कि अगर गलत करने वाले, चयन करने वाले कर्मचारी को या संबंधित जिम्मेदार को अगर पनिशमेंट मिल जाए तो गलत चयन ही क्यों करे। प्रधान चयन कराते हैं, सेक्रेटरी लेखपाल चयन कराते हैं, पता चला उन्होंने वोट दिया, उनके घर में 15 वोट है तो कहेंगे इसको बना दो, और अगर गरीब आदमी अगर वोट नहीं दिया कहेंगे इसको मत बनाओ, तो हमको वोट भी नहीं दिया। तो जब तक ये चीजें रहेंगी मन में, जब तक इस तरह से बातें होती रहेंगी, तब तक हम लोग कुछ भी करें तो क्या मतलब निकलेगा, कोई सुधार नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसे ही दिन बाद दिन समस्याएं बढ़ेंगी, 40 आप डिस्पोजल करेंगे, 400 समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी। मुझे तो सोच सोच करके कभी कभी दुख होता है, मैं जब सोता हूं कभी कभी सुनता भी हूं, भाई साहब 7 बजे सुबेरे आते हैं, अप्लीकेशन ले करके बैठते हैं, 3-3 बजे भर 2-2 बजे तक डेली इनका कब्जा उनका कब्जा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब सुनते सुनते, लेकिन समस्याएं जितनी शाम तक डिस्पोजल करो सवेरे फिर उतनी समस्याएं। गांव में चले जाओ वही प्रॉब्लम, तहसील में चले जाओ वही प्रॉब्लम, कलेक्ट्रेट में चले जाओ वही प्रॉब्लम। तो आखिर सुनते क्या है, सवेरे 9 बजे कलेक्टर बैठते हैं, 12 बजे तक जनता की सुनवाई करते हैं, क्या निस्तारण होता है? SP बैठते जिले पर, क्या सुनवाई करते भाई? MLA बैठ ही रहा है, प्रधान सुनता ही है घर पे अपने जरूर, तहसील में तहसीलदार SDM सुन रहे हैं। तो ये समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं, इसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं से सिस्टम में भाई साहब अभी बहुत कमियां हैं, और सिस्टम में जब तक कमियां रहेंगी तब तक सरकार, कोई भी सरकार हम हो, तब तक उसको दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी यही सोच रहा है कि अपना काम निपट गया बाकी चलिए खत्म हो जाए। अब पहले ये सोच नहीं थी, बुजुर्गों की सोच के तरफ, बुजुर्गों की व्यवस्थाओं के तरफ, पहले की व्यवस्थाओं के तरफ अगर आज हम ला करके समाहित करें तो बहुत अंतर खुद ही दिख रहा है कि जब सरकार के पास बजट नहीं था, MLA लोग पास 450 रुपया जिस समय MLA पाते होंगे तो उस समय मुझे लगता है उनके पास कोई बजट नहीं था। गांव पंचायत का जो गठन हुआ करता था, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, पहले कहां बजट हुआ करता था? तब पर भी गांव में वही व्यवस्था थी, ना झगड़ा था, ना बवाल था, ना खूटे थे, ना डंटे थे, रास्ते गढ़े पोखरे सब फर्स्ट क्लास हुआ करते थे हर बेगारी के जरिए। और सरकार कितनी योजनाएं, इतना पैसा, इतना हर जगह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, RES, BWD, सिंचाई, मतलब एक्सपर्ट, समाज कल्याण, ऐसी तमाम संस्थाएं जो गाँव में, भाई गाँव सब काम होता है भाई, हमारा देश तो 70% आबादी गाँव में, इस देश में तो गांव में काम हो रहा है। नगर पंचायत नगर पालिका में तो ऑलरेडी सुन रहे हैं आप, दुनिया भर का माल जा रहा है, काम हो रहा है।
तो जब इतने पैसे आने लगे, इतनी व्यवस्थाएं बनने लगी, फिर समस्याओं का अंबार कहां से। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लोगों की सोच बदल रही है, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जिस तरह की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से सिस्टम में भी संशोधन लाने की जरूरत है। जब तक देखिए हमारे सब चीज़ ठीक है, एक नैतिकता, एक सिस्टम सही हो जाए भाई साहब, अपने आप बिजली की तरह सब सही हो जाएगा, सब लाइन पर आ जाएंगे, सब काम डेवलप होंगे, सबकी जो सुख सुविधाएं मिलनी है सरकार से हर कोई पाने के लिए पा जाएगा। लेकिन जब तक आइए, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, नैतिकताओं में सुधार नहीं होगा, तब तक ना तो कोई लूट खसोट रोक सकता है सीधा सीधा, ना तो कोई भ्रष्टाचारी रोक सकता है, ना तो कोई पात्र व्यक्ति को कोई लाभ दिला सकता है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या विकास किए हैं? देखिए करीब करीब साल भर होने को हुआ है, हमारे यहाँ जब विशेष तौर पे अपने सोहरतगढ़ के बारे में मैं बताऊंगा कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित काफ़ी पिछड़ा हुआ विधानसभा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में पूर्ववर्ती नेताओं ने, यहाँ के जिम्मेदार ने कुछ वहाँ किया नहीं। जब मुझे लोगों ने मौका दिया, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, तो बड़ी उम्मीद करके, बड़ा विश्वास करके, बड़ा साहस करके कि ये अच्छा आदमी है, जमीनी व्यक्ति है और ये साधारण परिवार का सुनने वाला, सबका जानने वाला, सम्मान करने वाला, मेहनत करने वाला लड़का है, तो लोगों ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके, अच्छे मतों से हमें वहाँ विजय श्री दिलाया। तो मैं जब विधानसभा में, चूंकि मैं पहले से दौड़ रहा था, मुझे गली गली, गांव गांव मेरे मतलब नॉमिनेट होकर के मेरे जुबान पर सर गांव का नाम है, रास्ता दिखाई दे रहा है आंखों से ही बैठे बैठे, कौन से गांव की क्या स्थिति है मुझे पहले से, क्योंकि 3-4 साल पहले से मैं काफ़ी मेहनत किया था, दौड़ा किया था, जायजा लिया था कि अगर मौका मुझे मिल जाएगा तो, ताकि तलाशना न पड़े कि अपने विधानसभा में क्या आवश्यकताएँ हैं, जनहित में, व्यक्तिगत जनकल्याणकारी तमाम योजनाएं जैसी हैं जो हमारे विधानसभा में तक पहुंची नहीं थी सरकार की। लेकिन हमने भरसक कोशिश किया, शुरू शुरू में जब मौका मिला, शपथ लेने के बाद आप जानते हैं कि बजट सत्र चला, शपथ लिए, 2-3 महीना उधर गया, तब तक फिर ये बाढ़ आ गए, 2-2.5 महीने बाढ़ में चले गए, इतना भारी भरकम भाई साहब बाढ़ आया था, 4-4 नदियाँ मेरे विधानसभा में विलांकत नेपाल से होकर के आती हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराज योगी जी भी गए थे, 4 किलोमीटर वोट से अंदर पानी में भी गए थे, तो वो जो बचा खुचा था वो और तोड़ दिया बाढ़ ने, तो हमारे पास डबल नहीं 4 गुना और काम बढ़ गया और समस्याएं आ गई बाढ़ के आते, तमाम घर गिर गए, छतों पर लोग रहे, सड़कें टूट गई, पुल पुलिया टूट गया, बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो तमाम चीज़ें, किसानों का नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ, तो और काम बढ़ गया। लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपनी सरकार में मैंने अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से और संबंधित विभाग के जितने हमारे मंत्री हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और जो और भी व्यवस्थाओं को लेकर के, विभाग को लेकर के जो ज़रूरत थी, तो मैंने मिला है और लिख पढ़ करके सबको दिया है। अब ज़मीन पर कुछ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, सड़कें बन रही हैं जो काफ़ी हद तक टूट चुकी थी, तो सड़कों पर मेरा फोकस है। माननीय डिप्टी सीएम साहब आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे यहाँ विधानसभा में नहीं, जिले में गए थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है और उनके आशीर्वाद से तमाम सड़कें बन रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि शिक्षा जगत में जिन जिन विद्यालयों पर थोड़ा बीच में, आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के शिक्षा विभाग में भी थोड़ा सामान्य न्यायालय के बदौलत कुछ मामला बीच में वंचित हो गया, डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई लिखाई में लेकर के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से एक एक दो दो अध्यापक को एडजस्ट करा करके कि सारे विद्यालय चलें, जो गरीब किसान के बच्चे गांव केड़े खें, सकम से कम स्कूल में जाए, पढ़े लिखें, उस पर भी फोकस किया है। और एक हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था, जो वाकई में भारत नेपाल की सीमा पर सोहरतगढ़ बसा है, सबसे दयनीय स्थिति में रहा है। मेरे यहाँ 4-4 सब स्टेशन हैं और 4 स्टेशन सब स्टेशन सब ओवरलोडिंग के चलते बिजली आपूर्ति, अब सरकार के आपूर्ति के बाद, व्यवस्थाओं के बाद, रोस्टर और शेड्यूल के बाद भी हम नहीं आपूर्ति कर पा रहे थे, तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ। तमाम जर्जर तार, इंसुलेटर या क्षमता वृद्धि के ट्रांसफार्मर या और गांव की व्यवस्थाओं को लेकर के बिजली पर भी काफ़ी सुधार अपने यहाँ कराया है मैंने, मेहनत करके, अपने दौड़ करके, देख करके, अपने सहयोगियों के साथ मैंने काफ़ी मेहनत किया, तो इसमें भी काफ़ी हद तक सुधार हुई है। और मैं मांग किया हूँ कि अपने सोहरतगढ़ में बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, ओवरलोडिंग समाप्त हो, उसका एक ही ऑप्शन है, विकल्प है, वो है 132 का पावर हाउस बने हो सोहरतगढ़ में, तो मुझे लगता है हरी झंडी हमारी सरकार की तरफ से, माननीय बिजली मंत्री जी की तरफ से
आदरणीय शर्मा जी की तरफ से और अधिकारियों के मिलने जुलने से जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने आश्वासन दे दिया है, जमीन भी देख लिए है, एक मंडी परिषद हमारी आवश्यकता है वहाँ नवीन मंडी स्थल उसकी भी स्वीकृति मिली है और हमारे यहाँ दो महाभारत कालीन के बहुत ही प्राचीनतम देवी माता पलटा जी का स्थान है, एक समय माता कठेला का स्थान है, बहुत प्राचीनतम और बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध जगह है, तो इसको भी पर्यटन से हमने काफ़ी अनुरोध किया है अपने पर्यटन मंत्री जी से कह के, उस पर भी मुझे लगता है आफ्टर बजट सत्र के बाद कुछ ना कुछ वहाँ भी डेवलपमेंट हो जाएगा भक्तजनों के लिए। बाकी आपको हेल्थ विभाग से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे जिले में, तो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें चूँकि बॉर्डर पर है विधानसभा तो बढ़नी हमारा कृष्णानगर इंटरनेशनल प्लेस है, वहाँ एक अस्पताल है उसको अपग्रेड कराने के लिए मैंने निवेदन किया है और सोहतगढ़ हमारा जो विधानसभा जो मुख्यालय है वहाँ भी एक हॉस्पिटल है उसको भी मैंने अपग्रेड के लिए निवेदन किया है। तो धीरे धीरे हम ज़मीनी हकीकत को लेकर के जो आवश्यकताएं हैं उसको लेकर के अपनी सरकार में निरंतर प्रयासरत हैं और मुझे विश्वास है कि 22 आते आते सोहरतगढ़ एक नया विधानसभा और विकसित नया विधानसभा दिखेगा जनता को, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं ट्यूबवेल को लेकर, सिंचाई को लेकर के, माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं आज जब आता हूं तो हमेशा मिलता, आज ही मिला हूं मैं ENC जो प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष हैं उनसे मिल के आ रहा हूं कि हमारे यहां जो बाढ़ में ठोकर गाँव तमाम ऐसे हैं जो नदी के किनारे हैं उसको लेकर के, एक बांध को टूट गया है लंबा है उसको भी लेकर के मैं, तो ये सब चीज़ों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने महाराज जी को मैंने दिया है और माननीय सिंचाई मंत्री को भी दिया है, माननीय बिजली मंत्री को, माननीय समाज कल्याण मंत्री को, एकीकृत डिपार्टमेंट से मतलब समाज कल्याण से या मनरेगा योजना से जिन गांव में आवश्यकताएं हैं जिन ब्लॉक में आवश्यकताएँ हैं उनको लेकर के मैं जिले से और यहाँ से सारी चीज़ों को लेकर के एक अच्छी खासी व्यवस्था बना करके सिस्टम से मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ कि जिस विभाग की जो योजनाएं हैं वो हमारे विधानसभा में, देखिए बॉर्डर एरिया में है तो बॉर्डर एरिया का भी काम चल रहा है, मुझे लगता है कि कल परसों में बैठक भी होगी फिर नए प्रस्ताव कराएंगे हम लोग, तो मैं काफ़ी सचेत हूँ पूरी तन्मयता से अपने लोगों के लिए अपने विधानसभा के लिए मैं लगा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की कोई ऐसी योजना ना रह जाए जो सोहतगढ़ में ना पहुँचे और सोहतगढ़ में दिखाई ना दे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर सुई से लेकर के हाथी तक की अगर व्यवस्था है सरकार में तो सोहतगढ़ में वह व्यवस्था मैं प्रयास करूँगा कि हर मंत्रालय से हर विभाग से हर योजना को सोहतगढ़ में उतार दूँ, लोगों को दिखा दूँ, जो अब तक नहीं हो रहा था वो सामने देखिए सरकार की ये पहले की व्यवस्था थी आज भी दिख रही है, चूँकि हमें ये पता है तमाम लोग हैं ठीक है, कुछ लोगों को तो अभी मुझे लगता है कि मौका मिल गया है वो भी बड़े हौसले से आए हैं बेचारे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इतनी योजनाएं भाई साहब इतने परियोजनाएं हैं कि अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन विभाग कहाँ कौन देख रहा है, कौन सी योजनाएं हमको लेके जानी है। हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग है लेबर मिनिस्ट्री है, श्रम मंत्रालय है, जिसमें इसमें एक चीज़ ये करें हम तो बार बार कहते भी हैं सबको बताते भी हैं कि लेबर मिनिस्ट्री से जोड़ लीजिए, उस विभाग को जोड़ लीजिए और तमाम गाँव के ऐसे गरीब हैं ऐसे मजलूम हैं ऐसे मजदूर हैं कि लेबर मिनिस्ट्री कदाचित उसी लिए विभाग बनाया गया है और उस विभाग में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उस गरीब के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, अगर उसको आप इंप्लीमेंट करा दीजिए उसको प्रेरित करा दीजिए तो वो कम से कम सरकार उसमें पेंशन से लेके शादी अनुदान से लेके आवास से लेके चिकित्सा से लेके आपदा विपदा पड़ने से लेकर के और बच्चों की पढ़ाई से लेकर के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को लेकर के पढ़ाई मतलब एजुकेशन शिक्षा देने के लिए मजदूरों को जो उसमें श्रमिक जॉब कार्ड बन जाए तो सरकार इसके लिए भी वचनबद्ध है बाध्य है, लेकिन अब करता कोई तो है नहीं भाई साहब, कागज़ में सब है सरकार के पास सब है, तो अगर कोई उसको लेना ना चाहता हो करना ना चाहता हो तो भाई करने कराने वाले जिम्मेदारों का दोष है उसमें, सरकार का तो या व्यवस्था को लेकर के कोई दोष तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि सोहरतगढ़ में मैं नेक्स्ट चांस में जब कभी मौका मिला तो मैं आपके स्टूडियो में सारी योजनाओं को लेकर एक दिन मैं चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ABBPS के इस विचार को लेकर के जिस व्यवस्था को लेकर के व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो आगाज़ किया है आपके न्यूज़ चैनल ने, मैं तो खुदे कृतज्ञ हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि इतना सुना जाए जो दिल में हो दिमाग में हो सोच में हो सही हो उसको आपके न्यूज़ के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हर लोग तक पहुँचे और जिनको जिम्मेदारी जनता ने दिया है उसको आदमी पूरी तन्मयता से बाखूबी निभाने का अगर प्रयास करे तो मुझे नहीं लगता कि राम राज ना आ जाए, और रावण राज तभी समाप्त होगा जब हम आप नैतिकता अपने वजूद अपने सिद्धांत और सिस्टम के प्रति उत्तरदायित्व होंगे और लगेंगे तो मुझे लगता है कि कोई आगे बढ़ने से विकास को गति देने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जब तक लूट कसोट व्यक्तिगत और
स्वार्थ में, निहित स्वार्थ में आदमी काम करेगा जिसको जिम्मेदारी मिल जाती है। अगर वो निहित स्वार्थ में अपना काम सिर्फ देखे, अपने लोगों का देख ले, तो फिर समाज का भला कैसे हो सकता है, कैसे विधानसभा विकास कर सकता है, कैसे देश विकास कर सकता है, कैसे प्रदेश विकास कर सकता है, मुझे नहीं लगता है। तो हमें अपने आप पर, अपने लोगों पर, अपने विधानसभा के लोगों पर, अपने सहयोग करने वाले सहयोगियों पर गर्व है। और 22 आते आते, अब तो हम आपके टच में हो गए, अब 22 आते आते मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ है, मैंने कहना, मैंने कौन सा परिवर्तन किया है, लोगों के अंदर क्या बताया है, क्या दिखाया है। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल को आप सबके माध्यम से मिल करके एक बार, जब आखिरी बार दोबारा बुलाएंगे आप, तो मैं अपना एविडेंस लेके, साक्ष्य लेके आपके बीच में मैं आऊँगा, और तब मैं दिखाऊँगा कि मैंने सरकार की किन किन योजनाओं को लेकर के अपने सोहरतगढ़ विधानसभा में अपने लोगों के लिए, गांव के उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए जो शपथ हमने लिया है, जो जिम्मेदारी लिया है, उसको लाने के लिए मैं कितना प्रयासरत हूँ। अगले बार जब आप मौका देंगे तो मैं ABBPS के इस चैनल में, स्टूडियो में पहुँच करके एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ आपको अपने कर्मों का, अपने धर्मों का, अपनी मेहनत का परिणाम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। तो ये तो थे सिद्धार्थनगर के विधायक चौधरी अमर सिंह जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब बड़ी ही सूझबूझ के साथ दिए हैं। आगे भी हम अन्य जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए शिल्पी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।